इस असाइनमेंट का हम किसी भी प्रकार से दुरुपयोग और व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं, यह केवल छात्रों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं, उनका इस साल भी असाइनमेंट मिलने वाला है और असाइनमेंट आप लोगों का आ चुका है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी मैं सभी सब्जेक्ट के सटीक आंसर के साथ आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे से लिखा था जिनके 90+ स्कोर हुए हैं। यहाँ पर मैं क्लास 10th का विज्ञान का अगस्त माह का जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसको यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, एकदम सटीक आंसर देने वाला हूँ। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल से लिख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियाँ भी आईं, किंतु उनमें से मीना के कपड़ों पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। सर्फ मतलब साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोग जो अम्ल क्षार चैप्टर है वो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, तो उस चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, सब्जी में हल्दी थी, जो सब्जी बनती है उसमें हल्दी रहती है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग व क्षार के साथ लाल रंग देता है, तथा साबुन क्षारीय पदार्थ है, अतः इसी कारण रीना का कपड़ा लाल हो गया, ठीक है। देखिए मैं एकदम सटीक आंसर दिया हूँ, जो कि टीचर्स भी इस टाइप के आंसर को बोलते हैं कि लिखा करें, ठीक है। आप लोग अपने टीचर से भी इस टाइप के आंसर से डिस्कस कर सकते हैं, उन लोग भी बोलेंगे अच्छा आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि मैं पिछले साल भी सभी बच्चों को अपने ऑफलाइन कोचिंग में और ऑनलाइन कोचिंग दोनों जगह ये असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा था, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसी बेस पे मैं आगे भी असाइनमेंट लिख रहा हूँ, आप लोगों को सभी असाइनमेंट के आंसर दूंगा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है, दांतों का क्षय व सड़न होने का क्या कारण है, इसके रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं सटीक आंसर इसका दिया हूँ और एकदम अच्छे से दिया हूँ, ताकि आप लोग अपने भाषा में लिख पाएँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर मिल सके। धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच से 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए, इसका भी आंसर मैं सटीक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसको भी आप लोग देख कर अच्छे से वीडियो को पॉज कर सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लेंगे। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, ये एकदम बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला के तहत आप लोग इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला एक बार याद हो जाएगा तो या तो आप फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलिए या सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे सेल्सियस का नंबर दिया है तो यहाँ पे सेल्सियस को बस लिखना है, ठीक है, सेल्सियस का नंबर लिख देंगे। अगर आप लोगों को फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो आप लोग को यहाँ पे एफ के जगह फारेनहाइट का वैल्यू रख देना है, बाकी सब सेम टू सेम प्रोसेस होगा, तिरियक गुणा कर देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोग देखकर अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से समझ कर लिखेंगे। बिना पढ़े आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर ना लिखें, ठीक है। आप लोग पढ़ के देख लें कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर है कि नहीं है। नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है, क्यों, इसका चित्र द्वारा बताइए। तो ये मैं आप लोगों के प्रबोध का जो था उसी से मैं आप लोगों के लिए ले लिया हूँ, जहाँ पे आप लोगों का एकदम सटीक ये था और ये उसमें आंसर चित्र के साथ दिया था, इसलिए आप लोग चित्र भी यही बना लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे की अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी स्कूल से रिलेटेड आएगा नोटिस मैं आप तक पहुंचा सकूं। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 5, इसमें 2 क्वेश्चन है, समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, दूसरा है डायनासोर के विलुप्त होने का क्या कारण है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के मैं सटीक आंसर दिया हूं, यहां से आप लोग देखकर लिख सकते हैं, अच्छे से लिखें, आप लोग टाइम ले के लिखें। आप लोगों को 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही आप लोगों से जमा कराया जाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ी में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर न लिखें, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन का ब जो था डायनासोर की प्रजाति वाला, उसका आंसर है, और इसको भी आप लोग अच्छे से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके दबाकर। धन्यवाद।